ऑल इन वन चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सेना भर्ती में देना होगा कुंवारे होने का शपथ पत्र। तो जैसे कि आप लोग देखिए और रहे होंगे, पेपर की कटिंग है और वैसे तो पहले आ चुका है। काफ़ी आप लोग जो भी सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे उन लोगों को पता होगा, या जो है आप लोगों को साथियों से पता लग गया होगा। लेकिन मैं यदि किसी को पता नहीं है तो उनको मैं बता देता हूँ दोस्तों इसके बारे में क्या क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। और दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं दोस्तों, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए देखते हैं कि यहाँ समाचार क्या है। सेना भर्ती में देना होगा कुंवारे होने का शपथ। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नियमों में बदलाव। पहले 21 साल से कम के विवाहित ही चुने जाते थे। तो दोस्तों इसकी डिटेल्स में चलते हैं कि ये जो है सेना भर्ती से पहले अब अभ्यर्थियों को बताना होगा कि मैं कुंवारा हूँ। जी हाँ, सेना भर्ती में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब 21 साल के अभ्यर्थियों को कुंवारेपन का शपथ पत्र देना होगा। मुख्यालय के सैन्य अफसरों का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। पिछले कुछ समय से दोस्तों भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायतें आ रही थी, उसके बाद जो है इस नियमों को जो है चेंज कर दिया गया है सेना द्वारा और फैसला लिया गया है कि अभी जो है सर्टिफिकेट देना होगा आपको कुंवारेपन का। पहले 21 साल से कम आयु के विवाहित युवक भी चुन लिए जाते थे। इसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ऐसे युवकों के घायल या मौत हो जाने पर उनकी पत्नियां सेना पर मुआवजे के लिए दावा ठोक देती थी। जबकि 21 साल से पहले शादी को कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि कहीं कहीं या बहुत जगह पे अभी भी हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है और इसीलिए जो है इसमें बदलाव किया हुआ है। तो आगे पढ़ते हैं इसके कि लिपिक के लिए अब 12वीं में चाहे फर्स्ट डिवीज़न। इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि लिपिक के लिए जो कलर को होते हैं या SKT होते हैं उनके लिए 12वीं में चाहिए फर्स्ट डिवीज़न। 12वीं की फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। सेना में लिपिक पद की भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी को 12वीं में 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। पहले केवल 12वीं पास से काम चल जाता था। इसके अतिरिक्त गणित और अंग्रेजी में 50% अंक होने भी जरूरी हैं। 50 अंक होने भी जरूरी हैं। अब सभी अभ्यर्थियों को आधार कार्ड भी देना होगा अनिवार्य। तो दोस्तों ये रिलेटेड था इससे, भर्ती से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को यदि पता है तो ठीक है और नहीं पता है तो आप लोगों के लिए जो है ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आपके साथी जो भी हैं जिनको पता नहीं है तो उनको ज़रूर इसके बारे में अवगत कराएँ कि इस तरह के नियम आ गए हैं। इससे पहले भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, यदि आप लोगों को उसके डिटेल्स में जानना है कि क्या क्या जो है जो GD है वो जो क्लरिकल है उसके लिए एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है, आपकी जो योग्यता है परीक्षा में आपने जो एग्ज़ाम में नंबर प्राप्त किए हैं उसके शैक्षिक योग्यता में कुछ बदलाव हुए हैं, उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना उस वीडियो को यदि आप लोगों को शंका है तो, और कोई समाधान है तो आपका वहाँ से जो है शंका समाधान दूर हो जाएगा। इससे रिलेटेड दोस्तों जो इसका फॉर्म मिलता है शपथ कुंवारेपन का, जो शपथ पत्र है उसका फॉर्म किस टाइप का होता है और क्या क्या है उसमें, उसको एक बार डिटेल्स में जानते हैं उसके बारे में। ये दोस्तों फॉर्मेट है जो कि अनमेरिड से रिलेटेड है। अनमेरिड सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र और इसका जो फॉर्मेट है वो नीचे दिया हुआ है। आप इसको जो इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है जिस पर आप लोग फॉर्म भरते हो अपना रजिस्ट्रेशन करते हो उसी पर आप लोगों को ये मिल जाएगा और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। फॉर्मेट फॉर अनमेरिड सर्टिफिकेट, और आप लोगों को इसको डाउनलोड करना होगा दोस्तों। इसमें पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो लगाना होगा और इसमें लिखा है कि दिस इज़ टू स्टेट दैट मिस्टर डैश डैश जो भी है फलाना फलाना और सन ऑफ जो भी उनके पिता का नाम है इस परमानेंट रेजिडेंस अंडर मेंशनड एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, विलेज आएगा, पोस्ट ऑफिस, तहसील जो आपकी है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, पिन है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों दिस इज़ ऑल्सो टू बी स्टेट दैट आई नो मिस्टर डैश डैश सन ऑफ जो भी है वेरी वेल एंड ही इज़ अनमेरिड। तो ये जो आप लोगों को जो सर्टिफिकेट देगा वो जो है आपका ग्राम प्रधान या सरपंच या वार्ड मेंबर वो आप लोगों को यहाँ सर्टिफिकेट देगा, उनकी अपनी स्टैम्प होगी और स्टैम्प लगा के यहाँ पे सर्टिफिकेट देगा कि जो है आप लोग अनमेरिड हो। यदि आपका ग्राम गाँव के अंदर आते हैं ग्राम प्रधान है तो वो दे सकता है। यदि
सरपंच है तो वो देख सकता है, या वार्ड मेंबर जो भी है जो थोड़ा सिटी लेवल में है या थोड़ा सा एडवांस लेवल में है जहाँ पे वार्ड मेंबर होता है, तो वो लोग जो है यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को इश्यू करेंगे आप लोगों को। तो यही जानकारी थी दोस्तों, हो सकता है आप लोगों को पता हो पहले से, यदि नहीं पता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों इस बात को जिनको पता नहीं इस बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।